नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध चित्रकार अनिल मीणा ने मोदी बनाम कोरोना पर बनाई गई पेंटिंग में कौमी एकता की झलक दिखाई दी, जो आपत्ति काल में सभी धर्म समुदाय की एकजुटता को प्रदर्शित कर रही है और आमजन को भी भा रही है। अनिल मीणा ने बताया कि मोदी बनाम कोरोना पर चित्रकला में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें ऑनलाइन पेंटिंग भेजने की अंतिम तिथि 30 मई रखी गई है। इस आशय की जानकारी उन्हें कोटा के चित्रकार साथी से मिली और ग्रुप में भी इस प्रकार की सूचना है। मुंबई की इसी प्रतियोगिता अपनी पेंटिंग को भी सम्मिलित करवाने के लिए मीणा उनके स्वयं के बायोडाटा सहित इस पेंटिंग को भेजेंगे, जहां सभी पेंटिंग को देखने के पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले चित्रकारों की घोषणा की जाएगी और चित्रकारों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। ये पेंटिंग मैंने कोरोना पर विषय पर बनाई है। इसमें ड्रैगन जो चाइना का प्रतीक है, उसने किस कदर भारत पे कोरोना की बरसात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देशवासियों की तिरंगा लेकर किस कदर रक्षा कर रहे हैं और तमाम देशवासी एकजुट हैं। ये अमरावती महाराष्ट्र में ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहा है, उसके लिए पेंटिंग मैंने बनाई है। उसमें विषय है कोरोना और प्रधानमंत्री। धरोनिया खाद की जो दर सहकारी समिति द्वारा तय कर रखी है, उससे अधिक राशि वसूल की जा रही है। वर्तमान में डीएपी की दर 1150 रुपए है, जबकि ग्राहकों से 1200 रुपए वसूल किए गए एवं एनपी की निर्धारित कीमत 1110 रुपए के स्थान पर 1185 रुपए वसूल किए गए। समिति के कर्मचारियों ने किसानों के साथ ठगी की है। किसान गिरिराज पाटीदार, रामगोपाल पाटीदार, पूर्व वार्ड पंच राजेश पाटीदार आदि ने बताया कि वर्तमान में देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और लॉकडाउन के चलते किसानों की हालत बेहद खराब है। फसलें बिक नहीं रही है, फिर भी अगली फसल की तैयारी हेतु खाद खरीदा, उसमें भी सहकारी कर्मचारी ने कालाबाजारी कर अधिक दर वसूल की। व्यवस्थापक ओम प्रकाश पाटीदार ने बताया कि सहकारी समिति में इफको कंपनी के द्वारा डीएपी खाद 1200 रुपए एवं एनपीए खाद 1185 रुपए बेच आया था। चूंकि इफको खाद बेचने की नई रेट मोबाइल पर एसएमएस द्वारा 4 अप्रैल को आया, उससे पहले जितने किसानों को खाद बेचा है उन्हें घर घर जाकर पैसे लौटा दिए जाएंगे। जो 1150 रुपए में बोरी मिल रही उसे 1200 में बेची और जो 1120 में मिल रही है उसे 1185 रुपये में बेची। कौन से मनमानी कर रहे हैं, हजारों बोरी बेच दी हमने, तभी तो वापस पैसे देने के लिए तैयार है, पैसे ले लो आपसे। इस तरह से किसानों साथ में भारी लूटमारी कर रहे हैं हर चीज़ में, और सरकारी में भी पैसे निकल रहे, उनसे भी वो पड़े रहते हैं, दो दिन बाद देते हैं, उनसे भी ब्याज लेते हैं। झालावाड़ जिले के अलग अलग स्थान में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र खानपुर बकानी क्षेत्र में आज कोरोना पॉजिटिव की दूसरी जांच की गई, जिसमें खानपुर क्षेत्र के भगवानपुरा गांव तथा बकानी क्षेत्र के भगवाड़ा गांव शामिल रहे। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि दोनों स्थानों पर अलग अलग पॉजिटिव कोरोना वायरस मरीज आने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही मरीजों को कोटा में भर्ती कराया गया तथा सप्ताह बाद दोनों गांवों में से क्वारंटाइन परिजनों को अलग अलग स्थानों पर जांच करवाई गई, जिसमें खानपुर के क्वारंटाइन सेंटर, मांगली भवन तथा भगवाड़ा गांव में होम क्वारंटाइन किए गए परिजन शामिल रहे, जिनकी कोरोना की जांच कल शाम तक आएगी। फिलहाल दोनों स्थानों पर जीरो मोबिलिटी घोषित होने से प्रशासन ने राहत की सांस ले रखी है। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा स्थानीय आपदा राहत कोष से अभी तक कुल 336 किट का वितरण जरूरतमंद परिवारों को किया गया। आज मोबाइल एसोसिएशन के नीलेश बोहरा, अनिल गुप्ता, सौरभ गोलेच्छा, रेडीमेड एसोसिएशन के भरत राठौर, प्रतीक गोटावाला, गिरीश माधवानी, सुमित सेठिया, किशोर बलवानी, लकी बलवानी व प्रमोद जैन, पिट्टू नवीन, जायसवाल, अर्पित जैन, राजेश गर्ग, अल्ताफ चौधरी, शिवम गर्ग के सानिध्य में वितरण संपन्न हुआ।
आवर कस्बे के निकट कोरडी पंजाब नेशनल बैंक खुलते ही ग्रामीणों की लंबी लाइन लग जाती है। ग्रामीण सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का प्रयोग भी नहीं करते हैं। बैंक कर्मी केवल पेमेंट देने का ध्यान नहीं रखते हैं। सुबह 10:30 बजे पुलिस प्रशासन भी नजर नहीं आया, जबकि पिड़ावा यहां से 5 किलोमीटर ही दूर है और जीरो मोबिलिटी क्षेत्र से लगा हुआ है यह कस्बा। किराने की दुकानदार गोपाल भावसा ने बताया कि यहां पर रोजाना ऐसे ही भीड़ रहती है। चौमहला झालावाड़ जिले के उन्हेल स्थान अंतर्गत सालरिया गांव के व्यक्ति की खेत पर कुआं खुदाई के दौरान हादसा हो गया। इसके चलते कुएं में कार्य कर रहा कालू सिंह नामक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको परिजन चौमहला CHC पर उपचार के लिए लाए थे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को कोटा रेफर कर दिया तथा जहां उसकी मौत हो गई। आज उस व्यक्ति का उन्हेल पुलिस ने मामला दर्ज कर चौमहला CHC पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कुएं का काम कर रहे सर ने, तो डाला की कड़ी टूट गई, पत्थर पड़ गया, पत्थर पड़ने के सीन लागी से। क्या नाम था मृतक? कालू सिंह। कौन सा गांव? सालरिया। चौमहला वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। गायों एवं कुत्तों में भी वायरल इन्फेक्शन के चलते बुखार खांसी हो रही, जिसके कारण उन्हेल पशु चिकित्सा डॉक्टर मेहता की टीम अलर्ट मोड पर है। चौमहला के गायत्री मंदिर के पीछे गली में निराश्रित गाय 4 दिन से बुखार से पीड़ित थी, जिसकी सूचना मोहल्ला वासियों ने खबर 24 संवाददाता को दी। खबर 24 संवाददाता ने पशु चिकित्सक उन्हेल राजेश मेहता को अवगत करवाकर जिस पर त्वरित कार्यवाही कर उन्हेल कंपाउंडर ललित निगम को भेजकर गाय की चिकित्सा करवाई। चौमला तथा गंगधार के पशु चिकित्सक का पद कई वर्षों से खाली पड़ा है। इसके चलते डॉक्टर राजेश मेहता पूरी गंगधार तहसील के सारे पशुओं का इलाज कर सेवा दे रहे हैं। धरोनिया ग्राम पंचायत शेरपुर के गुराड़िया गांव में राम मंदिर के पीछे वाली गली में वार्ड नंबर 6 व 7 में कई दिनों से पानी की जगह सिर्फ हवा ही आ रही है। इस समस्या की सूचना ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को करीब 2 बार दी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों से ग्रामीणों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ग्रामीण गोपाल दांगी, रामशेर दांगी, कैलाश दांगी, नंदलाल दांगी, ईश्वर गुजर आदि ने बताया कि कुछ दिनों से तो दूसरे के नल से पानी भरकर काम चला लेते हैं, लेकिन गर्मियां दिन ब दिन तेज होने से हम सभी के सामने जल संकट आ गया है। झालावाड़ विकास मंच की ओर से कोरोना महामारी के दौरान भी शहर में विभिन्न स्थानों पर अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक कार्य करने वाले जुटे कोरोना वॉरियर्स शिक्षकों का सम्मान करने का अभियान जारी रहा। इस अवसर पर झालावाड़ विकास मंच के संयोजक जितेंद्र जे की, संरक्षक दिनेश सक्सेना, अध्यक्ष कन्हैयालाल कश्यप और समाज सेवी अलीम बेग की अगुवाई में सैनिटाइज के बाद माल्य अर्पण कर और प्रमाण पत्र प्रदान कर 5 शिक्षक का अभिनंदन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना करते हुए कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षक ललित शर्मा, मनीष गुप्ता, भगवती प्रकाश मेहर, मतीनुद्दीन अंसारी व शरीफ खान का सम्मान किया गया। खानपुर हरी झंडी दिखाकर गरीब, विधवा, दिहाड़ी मजदूर, विकलांग, एकल महिला, पुरुष परिवारों को राशन सामग्री के किट लेकर युवा सहायता ग्रुप के सदस्यों को बाइक से होम डिलीवरी देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रवाना किया। इस मौके पर जरूरतमंदों को घर घर राशन सामग्री किट पहुंचाने से जरूरतमंदों को राहत मिल सकेगी, जिससे कि मुख्यमंत्री गहलोत के कथन कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा को साकार किया। इसके बाद उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में मास्क बनाने वाले कारीगरों को माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही विभिन्न स्थानों पर परिंडे बांधकर पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम किया, जिससे भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिल सके। झालावाड़ जिले के खानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में युवा प्रदेश महासचिव अरबाब खान ने नरेगा कार्य स्थल पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत देते हुए सैनिटाइजिंग के हाथ धुलाकर मास्क वितरण किए। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अमरलाल जादव ने बताया कि ग्राम पंचायत खानपुर क्षेत्र की चांदखेड़ी गौशाला के समीप चल रहे अलग अलग स्थानों पर नरेगा कार्य की तालाब पिचिंग कब्रिस्तान में सफाई अभियान कार्य को लेकर उपस्थित नरेगा श्रमिकों को सैनिटाइजिंग से हाथ धुलवाए, इसी से साथ 200 मास्क वितरित किए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना वॉरियर्स महामारी को हराने के एक संकल्प दिलवाया। इस मौके पर उप सरपंच आमिर खान,
पूर्व सदर मुकीम खान समेत मौजूद रहे। रटलेरी झोन ग्राम पंचायत झीतापुरा गांव में शनिवार रात शाम 6:30 बजे कुएं से खुदाई का मलबा निकालते समय ऊपर से मिट्टी ढहने से उसमें दबे एक श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार झीतापुरा गांव में एक किसान के कुएं पर खुदाई कर डोलर मशीन से मजदूर करीब 50 फीट गहरे कच्चे कुएं से मलबा निकाल रहे थे। उसी समय अचानक कुएं के बीच करीब 30 फीट ऊंचाई से मिट्टी ढह गई, जिसके नीचे दबने से क्षेत्र के सेमला खेड़ा गांव निवासी 24 वर्षीय श्रमिक हेमराज लोधा पुत्र रामप्रसाद की मौत हो गई। ग्रामीणों व अन्य मजदूरों ने डोलर मशीन द्वारा ही हेमराज को कुएं से बाहर निकाला। रात 8 बजे करीब अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार सुबह 9 बजे करीब मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सुनेल कस्बे के किसानों ने सोमवार को खरीफ फसल 2019 बीमा क्लेम नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर के नाम सुनेल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सुनेल ग्राम सेवा सहकारी समिति व अन्य बैंकों में भी किसानों से खरीफ फसल 2019 में बीमा प्रीमियम राशि किसानों से जमा करवाई गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि भेज दी गई है। सुनेल व गांव के आसपास के कई किसानों को बीमा राशि मिल चुकी है, लेकिन सुनेल के किसानों को बीमा क्लेम राशि अभी तक नहीं मिली, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर किसान श्याम लाल गुर्जर ने बताया कि सुनेल में करीब 2700 किसानों का खरीफ फसल 2019 बीमा क्लेम नहीं आया। सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द किसानों को बीमा क्लेम राशि दिलवाई जाए, जिसमें से एक भी किसान के बीमा नहीं आया अभी तक। और आसपास के जो भी सहकारी समिति है उनमें लगभग 50% लोगों के बीमा आ चुका है। सुनेल में एक भी किसान के बीमा नहीं आया है। यहाँ के किसान सब वंचित है। यदि आगामी दिनों में अगर किसानों का बीमा नहीं आया, उन्हें माँ के साथ सड़क पार कर रही बच्चे की अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से हुई मौत। 8 साल की बच्ची राधा को अज्ञात फोर व्हीलर ने मारी टक्कर। परिजन घायल अवस्था में बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में प्राथमिक उपचार हेतु लाए। प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के लिए किया था रेफर। बच्ची की रास्ते में हुई मौत से परिजन पुनः चौमेला CHC लाए। उन्हें तथा पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चौमेला में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द किया। हमें एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि इनकी पुत्री संगीता वे उसकी लड़की राधा 5 रोज पहले अपने ससुराल चायड़ा से मिलने के लिए बामन देवरी आई थी। आज इनकी लड़की संगीता मैं अपनी लड़की राधा के साथ गोबर डालने के लिए जा रही थी कि रास्ते में रोड क्रॉस करते समय चौमेला की तरफ से एक वाहन करावन क्षेत्र के खोकरिया खुर्द में जैसलमेर से आए 34 मजदूरों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आइसोलेशन कर रखा है, जिनकी निगरानी के लिए कर्मचारी व सरपंच प्रतिनिधि द्वारा स्कूल के बाहर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, जो भरी गर्मी में लू के थपेड़े खा रहे हैं। वह रात को भी यहीं सोते हैं, मगर जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। कंट्रोल रूम अधिकारी राकेश कुमार मील ने बताया कि यहां पर GSS अध्यक्ष व समाज सेवी सज्जन सिंह चौहान द्वारा हम कर्मचारियों व आइसोलेशन वाले मजदूरों की पूरी तरह से रोज कुशल सैम पूछ कर आवश्यक सामग्री की पूर्ति भी इनके द्वारा की जा रही है। चौहान ने बताया कि अध्यापक कर्मचारी व आइसोलेशन में जो मजदूर है आज मेरे लिए एक अतिथि की तरह है। ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, संयोजक बीरमचंद मेघवाल, सहायक सचिव पप्पू मेहर, सुल्तान मेघवाल, सोहन भावसार आदि कई मौजूद थे। व्यवस्था वगैरह क्या चल रही है, किसे क्या है? यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ग्रामवासियों के द्वारा सहयोग किया गया है और सरपंच साहब की ओर से सहयोग किया गया है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मजदूर 36 मजदूर यहाँ आए हुए हैं जैसलमेर से, जिनमें से 2 मजदूरों को घर पर आइसोलेट कर रखा है, बाकी 34 मजदूर यहाँ पर हैं। स्कूल करावन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कस्बे में सब्जी विक्रेता ने की पहल, बिना मास्क वाले को दी चेतावनी। उन्होंने अपने सब्जी के ठेले के यहाँ निर्देश लिखकर टांग रखे हैं। उसमें लिखा गया, बिना मास्क वाले को सब्जी व फल नहीं दिया जाएगा।
रायपुर कस्बे में आज विद्युत रखरखाव संबंधित कार्य को लेकर कस्बे की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। तकनीकी सहायक विजय टेलर ने बताया कि आज जयपुर डिस्कॉम कनिष्ठ अभियंता आदर्श तिवारी के निर्देशानुसार पावर हाउस पर प्रातः 9 से 11 बजे तक विद्युत रखरखाव संबंधित कार्य किया गया। इस दौरान रायपुर कस्बा सहित इससे जुड़े हुए फीडरों की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। रायपुर क्षेत्र के चौली चेक पोस्ट पर कर्नाटक के बेलगांव से 6 बसों में भरकर आए 168 प्रवासी श्रमिकों को 4 सरकारी बसों में चौली चेक पोस्ट झालावाड़ से रवाना किया गया। SDM श्रवण सिंह राजावत ने स्वयं मोर्चा संभालकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। COVID-19 समन्वय TR सिरवी ने बताया कि घर वापसी के लिए मजदूरों ने सरकार एवं प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। सभी 168 यात्रियों की मेडिकल जांच कर जिले वार छाटा गया। इसके बाद सभी को भेजने भोजन के पैकेट वितरण किए गए। गौरतलब है कि कर्नाटक से आई बसें पूर्व में कोटा से स्टूडेंट को छोड़ने गई थी। यात्री 6 बसों में भरकर राजस्थान में प्रवेश किए। इन सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया, उसके बाद इनको भोजन उपलब्ध करवाया और सभी यात्रियों को 4 बसों में भरकर करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, नागपुर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।